लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसान अब ट्रैक्टरों के बाद अपनी कंपाइन वगैरह लेकर भी दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ पंजाब से आए कुछ किसान मौजूद हैं, हम उन्हीं से जाने कहां से आए हो और कहां जा रहे हैं और क्यों लेके आए इस कंपाइन को, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उनको ये गेहूँ कटाई वाले साधन तक लेकर दिल्ली की ओर कुछ करना पड़ रहा है। जी कहाँ से आए आप? पंजाब से आए हैं, लुधियाना माणू के पिंड जी, जिला लुधियाना तहसील जगाओ। तो कब चले थे सर आप? सुबह चले थे 5 बजे से। तो कहाँ पहुँचोगे आप? आप पहुँचेंगे ठिकरी बॉर्डर पर। क्या प्रोग्राम जी वहाँ पे? वहाँ पे किसानों को जो बिल पास किया है वो रद्द कराने चले हैं। तो अब जो 26 तारीख को किसान ट्रैक्टर परेड हो रही है तो ये भी आप उसी में शामिल हो गए इसको लेकर? उसी में मशीन को उसी में सामान लेके जाना है। तो ऐसी क्या नौबत आ गई थी सर कि ये मशीन कटाई तक के साधन लेकर आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है? एक बार दोबारा फिर बोलिए। ऐसी क्या नौबत आ गई सर कि आपको ऐसे ऐसे साधन कटाई वाले साधन तक लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान करना पड़ रहा है? जो किसानों भाई है उसका सब सरकार जो है सेंटर सरकार है उसका गला घोट दिया किसानों का जी, तभी लेके चले हैं मशीन पर जहाँ पर परेड पर ही चले हैं जी। आपका क्या नाम है जी? भगत सिंह। कहाँ से आए जी आप? जुलाने से। तो आप कहाँ की तैयारी में हो? आप भी दिल्ली जा रहे हैं? दिल्ली जाने हमने भाई साहब के लिया। दिल्ली पहुँचोगे आप? हाँ दिल्ली। तो वहाँ पर जाके क्या कार्यक्रम रहेगा आपका आगे? पूरा धरना देंगे दिल्ली जाके। हाँ तो आप कहाँ से आए हैं सर? हम नाभा से आए जी। तो क्या कार्यक्रम रहेगा आगे? आगे जाएंगे जी पूरा उसमें कर सब दिल्ली पहुंचेंगे आप जी? हाँ दिल्ली में जाएंगे जी। परेड में शामिल हो गए? हाँ जी हाँ परेड में शामिल होंगे। तो अभी तक जो सरकार के साथ बातचीत का दौर आपका चला रहा था अब वो सरकार ने आगे कोई टारगेट भी नहीं दिया आपको, बातचीत का दौर भी खत्म हो चुका है, आगे 26 के बाद में कैसे रहेगा आंदोलन? वो मानने के लिए तैयार नहीं जी, जब डटे रहेंगे जब तक वो नहीं मानेंगे माने। तो जब तक नहीं मानेंगे ऐसे ही दिल्ली पे डटा रहेगा किसान बॉर्डर पे? हाँ जी हाँ मना के जाएंगे जी मांगे अपने जी। तो आपने देखा कि जोश के साथ पंजाब से लगातार किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे नंबर 352 पर, यहाँ की हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर देखिए हमारे साथ एक मियाँ बीबी का जोड़ा आया है जो कि पूरी तरह से किसान रंग में रंगा हुआ जी। कहाँ से आए यहाँ पर, ये आइडिया कहाँ से आया आपको इस तरह से? मैं उजियाना गाँव से जी, नरवाना के पास से। तो कहाँ जा रहे हो आप? हम दिल्ली जी टिकरी बॉर्डर। क्या प्रोग्राम रहेगा वहाँ पे? प्रोग्राम हम परेड में जाएंगे जी। तो आप भी किसान परेड में शामिल होंगे? किसान परेड में शामिल होंगे। तो आप कब चले थे आप? हम अब सुबह चले हैं जी। तो आप अपना राशन पानी पूरा वहीं पे लेके जा रहे हैं? बिल्कुल सब। परिवार कौन देखा पीछे से आपका? घर परिवार एक बच्चा है जी अपना देख लेते आते था उसके। तो आप पूरा घर परिवार छोड़ के वहीं जाके बैठोगे? हाँ जी वहीं जाके बैठोगे। आप कब तक रहोगे वहाँ पे? हम अब तो जी कम से कम जब तक एक कानून वापसी नहीं होगी तब तक वहीं रहेंगे जी। तो किसानों का सीधे तौर पर कहना जब तक है कि वहाँ से कानून वापसी नहीं होते तब तक किसान घर वापसी नहीं करेगा। हमारे साथ इनकी साथ आई हुई महिला भी है, उनसे भी पूछेंगे कहाँ से आए हो आप? उजियाना से जी। तो आप कहाँ की तैयारी में फिलहाल? दिल्ली की जी। क्या कार्यक्रम रहेगा दिल्ली, अपने बच्चों को छोड़ के दिल्ली क्या लेने जा रहे हो आप? जी हम किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए जाएंगे। और आपके बच्चों को कौन संभाले जी पीछे? पीछे उसके दादा दादी ताऊ चाचा सभी है। तो आप अब कब तक रहेंगे वहाँ पे? इतने ये काला ये तीन कानून वापस ना ले लेते इतने रहेंगे हम। तब तक का राशन पानी आपका साथ में लेके चल रहे हैं जी? आप राशन पानी साथ में लेके चले आप जी? वहीं रहोगे तब तक? हाँ जी। इतना वापस नहीं हटेंगे जी ये जब तक तीनों कानून काले कानून वापस नहीं लेता इतना वापस नहीं हटेंगे। तो सीधे तौर पर किसानों का यही कहना है कि जब तक ये तीन कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो अपनी घर वापसी नहीं करेंगे। दिल्ली की ओर कुछ करते करते हमें दो ताई नजर आई यहाँ पर जो कि जलेबियों के रस का स्वाद चख रही है। ताई कैसी थी जलेबियाँ? कहाँ जा रहे हो आप? दिल्ली। दिल्ली जा रहे बेटा। क्या प्रोग्राम रहेगा दिल्ली? बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। कहाँ से आए हो जी आप? राजगढ़ गांव से आए हैं। तो कितनी महिला है आपके साथ? और हमारे साथ बहुत महिला है। तो आप वही डटोगे? हाँ वही डटाएंगे, उड़े खाना बनावांगे, उड़े रोटी देंगे, जमींदारा की मदद करेंगे। तो आप कहाँ से आए हो जी? राजगढ़ से जी। तो जलेबिया का टेस्ट कैसा लगा आपको? यहाँ जो लाना भंडारे में आपने लंगर का टेस्ट लिया, किसानों के लिए लंगर लगाया गया है, बढ़िया जी। देसी की जलेबी आपने चखी तो कैसी लगी आपको? बढ़िया जी। तो आप और कितनी महिलाएं आपके साथ में? बहुत महिला जी हमारे साथ। तो दिल्ली जाके रुकोगे आप? परेड में शामिल होगे आप? हाँ परेड में शामिल होंगे जी। और कब तक रुकोगे वहाँ पे? वही इतना हमने जो हवा मांग पूरी नहीं होगी हमारी। तो हमारी लगातार चल रहे 2 महीने से किसानों का आंदोलन, इसी कड़ी में लगातार किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जुलाना में आए कुछ पंजाब से किसान साथी, हम उन्हीं से बात करेंगे। जी कहाँ से आए हैं आप? हम नरवाना से आए हैं जी, जिला जींदा जी। कितने आदमी हैं जी आप? हम 20 आदमी हैं जी, करीबन पहले भी जा चुके हैं, 30-40 ट्रैक्टर कल गए थे हमारे गाँव से जी, और 3000 किसान गए हुए हैं जी दिल्ली। तो आप ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे वहाँ? जी ट्रैक्टर परेड में जरूर शामिल होंगे, उसी के लिए जा रहे हैं जी,
पूरा जोश के साथ जा रहे हैं। पंजाब से हमारे साथ एक किसान साइकिल पे भी निकले हैं दिल्ली के लिए, हम उनसे बात करें। जी कहाँ से आए हैं आप? मैं पात्रा से आया हूँ। जी तो कहाँ जा रहे हैं आप? मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो कब चले थे आप वहाँ से? मैं 21 तारीख को चले थे वहाँ से। तो साइकिल पे ही जाएंगे आप वहाँ? हाँ जी हाँ जी। तो आप भी परेड में शामिल होंगे? हाँ जी हाँ जी। कहाँ पहुँचेंगे अब आप? हम दिल्ली लाल किला के पास पहुँचेंगे पूरे। क्या कार्यक्रम रहेगा आपका वहाँ पे जाके? वहाँ पर साइकिल से परेड निकालेंगे पूरी। आप भी परेड में शामिल होंगे किसानों के साथ? पूरे सम्मेलन करते किसान है सब है, किसान ही नहीं है तो कहाँ आएगी दुनिया। तो अब तक तो सरकार के साथ बातचीत का दौर चल रहा था, अब आगे सरकार ने कोई तारीख भी नहीं दी आपको, तो वो बातचीत का दौर भी अब समाप्त हो चुका है, आगे क्या रहेगा? क्या क्या मानते हैं? तारीख है ना, तारीख जितनी मर्जी लंबी चली जावे, राशन पानी खुला पड़ा है, सब कुछ आएगा, जितनी लंबी तारीख करी जावे कोई बात नहीं। तो आप ऐसे डटे रहेंगे सब इसके बाद में भी? हाँ जी हाँ जी जी, डटे रहेंगे, सब कुछ होएगा, सब कुछ जितना इतना ही आंदोलन चलता रहे जितनी मर्जी चलता रहे, सारे किसान वहीं बैठे अभी। तो आप कहाँ से आए हैं जी? गांव करमगढ़ से, नरवाना तहसील जिला जींद। कितने आदमी हैं आप? यहाँ 3-4 आदमी हैं। तो ट्रैक्टर वगैरह भी गए? ट्रैक्टर भी जा रहे हैं 40। तो आप किस तरह का से देखते हैं, सरकार ने अब आगे तारीख वगैरह तो देनी बंद कर दी है, बातचीत का दौर अब तक चला रहा था वो बंद हो चुका है, अब आगे 26 के बाद का आंदोलन किस तरह चलता रहेगा आंदोलन? तो और भी आदमी आपके साथ में? हाँ ये सभी हम गाँव के। तो अब आपने देखा कि जुलाना में लगातार किसानों का उमोड़ा उभर रहा है, और लगातार पंजाब से भी किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, और लगातार जिस तरह कई दिनों से इसी नेशनल हाईवे 352 पर किसान लगातार दिल्ली की ओर कूच करता जा रहा है, और लाखों की तादाद में दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान पहुँच चुका है। जुलाना से डीएन हरियाणा और राजकायना के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। खानदान तो बढ़िया पाना ही नहीं कंगना सब चलेगा। हाँ कंगाल वो सारा सौदा चल रहा, सारा सौदा बेच तो रखे था बल्ले कंगाल बना रखे कंगला और आज एक क्या लग गए कंगने तो उंगे हो रहे कंगाली आज के भाई है दूल्हे के क्या रिश्ता हुआ दूल्हा ताऊला घूमो दूल्हा ताऊ जी। अच्छा अच्छा, दूल्हा का नाम और बता दो। बिंटू लठर। और आपका? प्रदीप सिंह आगे। अच्छा जी, मतलब क्या कह लिया तेरे बहुत कौन मिलते बहुत तो मोदी के लिए मिलाएगी ना मोदी के तो मोदी के लिए मिलाना उसके उसके के बहुत मिले थे उसका जात का बेरा नहीं पॉइंट का बेरा नहीं उसके के बहुत मिले थे फिर हमने तो वो छोरे ने कुर्बान नहीं देने दे दे बेटा कोई बात नहीं छोरा मान जाएगा मान जा मैं तैयार हूं हर छोरा की मां पूछी है मां न फूक दे तो कोई आठ नहीं कोई आठ आए पाछा आप तार लेगी बहू ने ठीक है।